डियर स्टूडेंट, आज हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू? और इससे पहले हमने एपिथेलियल सेल पढ़ा था। दीज आर ऑल टाइप ऑफ द हिस्टोलॉजी, दीज आर ऑल टाइप ऑफ टिश्यू, इज़ वन ऑफ द मेन टिश्यू इन द बॉडी। सो कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है? कनेक्टिव टिश्यू हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे डाइवर्स सेल्स होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू की सबसे अहम बात यही है कि कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे कॉन्स्टिट्यूट करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेरियस सेल्स होते हैं, और ये सारे जो उनसे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और जो सेल है, ये सारे बाउंड हमारी पूरी बॉडी कैविटी में होते हैं। और इसके जो सबसे नीचे, यानी इसको बॉन्डेड जो करती है, वो बेसल लैमिना होती है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें लूज़ कनेक्टिव टिश्यू भी है, ठीक है। और इसके अलावा हार्ट हार्ट जो सा कनेक्टिव टिश्यू भी है। जो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में है, उसकी ये टाइप्स है कि उसमें जो कनेक्ट उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। और उनमें से जो वन ऑफ द सेल है इज़ अ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल इज़ प्रेजेंट इन द लूज़ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का क्या काम होता है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाता है। इसके अलावा वेरियस अदर सेल्स भी होते हैं, जिसमें प्लाज्मा सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में। द अदर फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज़ अ सिंगल लेयर कनेक्टिव टिश्यू, एंड दैट इज़ अ हार्ट साइट दैट कंटेन ओनली द ऑस्टियोफाइट सेल्स। तो ऑस्टियोफाइट सेल्स ये हमारी सारी बोन्स वगैरह बनाते हैं। तो हमारी बोन्स जितनी भी बनी हुई होती हैं, वो एक ख़ास पैटर्न में बनी हुई होती हैं। उसमें ये सेल्स जितने भी होते हैं, तो ऑस्टियोसाइट सेल्स ये हमारी बोन बनाएंगे इन स्पेशल ऑर्गेनाइज मैनर। समझ आ गई? तो ये हमारे, तो इनमें जो फाइबर्स होते हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। लेट आई शो यू द लूज कनेक्टिव टिश्यू। दैट इज़ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज़ अ फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। यू सी द वेरियस सेल्स, इसमें प्लाज्मा सेल्स भी हैं, कोलेजन फाइबर्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, ठीक है। और दे आर लूजली अरेंज्ड, ठीक है। इसमें माइक्रोफेजेस वगैरह भी होते हैं, ठीक है ना। कोलेजन फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, आपको पता है ना। कोलेजन टाइप फोर फाइबर्स वाइटामिन सी से बनते हैं, ठीक है। और दैट इज़ अनदर पिक्चर, दैट सी, दैट इज़ द फाइब्रोप्लास्ट सेल्स, दैट इज़ द प्लाज्मा सेल, एंड दैट इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो कनेक्टिव टिश्यू ऑलवेज फॉर्म्स विद द सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यू सी, दैट इज़ द मास सेल्स, दैट इज़ द प्लाज्मा सेल्स, दैट इज़ द कोलेजन्स, ठीक है, दैट इज़ द फाइब्रोप्लास्ट सेल्स। सो ऑल दीज आर मेकअप एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सो अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये तो हमने एक जनरल डिस्क्रिप्शन पढ़ी, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू भी है, एक सिंगल लेयर भी है। वैसे जो क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें मेजर कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन है, उसमें मीजेनकाइमा है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जो मीजेनकाइमा है, वो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है। यानी एम्ब्रियोनिक का मतलब जो हमारे एम्ब्रियो में प्रोड्यूस होता होगा इन द फीटस, ठीक है। और सेकंड टाइप इज़ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके बारे में अब आगे मैंने बताया था। लूज कनेक्टिव टिश्यू में फिर आगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू और रेगुलर इरेगुलर है। तो जिसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रेगुलर में, उसमें सारे सेल्स रेगुलरली अरेंज होंगे, और जो इरेगुलर है वो रेगुलरली अरेंज होंगे। इसके अलावा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कार्टिलेज है, जिसमें ब्लड है, ब्लड के सारे कंपोनेंट आ जाते हैं। ब्लड इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन है, ठीक है। बोन में मैंने आपको पहले बताया, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, जो ऑस्टियोसाइट सेल्स होते हैं, वो मिलकर तमाम बोन्स बनाते हैं। एडिपोस टिश्यू है, जो कि हमारा लिम्फैटिक टिश्यू बनाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको सबसे पहले एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू बताता हूँ कि एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू जौन से हैं, हमारे वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज़ हमारी बॉडी में तकरीबन तमाम बनाते हैं। जो मिडल लेयर होती है ना, जब एम्ब्रियन बनता है ना, तो उसमें थ्री लेयर्स होती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। जो मीजोडर्म होती है, वो तकरीबन तमाम कनेक्टिव टिश्यू बनाती है, एक्सेप्ट हेड साइट। जो हेड साइट के सेल्स होते हैं, वो न्यूरोक्रेस्ट सेल्स बनाते हैं। वो मीजेनकाइमा के साथ, मीजेनकाइमल सेल्स के साथ ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और आगे जाके मीजेनकाइमा बेसिकली बना देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको एक दफ़ा मीजेनकाइमा और इसकी
एम्ब्रियोनिक टिश्यू की मैं एक वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें, इसमें सेल्स होते हैं, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, स्पिंडल शेप तकरीबन सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक टेक टिश्यू में भी दो टाइप्स होती हैं, एक एक जो होती है मीजेनकाइमा होती है, एक होती है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू टाइप होती है। तो मीजेनकाइमा तकरीबन हमारे जितने भी है ये प्राइमरी एम्ब्रियो में ही पाई जाती है, इसमें स्मॉल स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं और अरेंज जोन से होते हैं, इनमें गैप जंक्शंस भी होता है, ठीक है। ये है मीजेनकाइमा, इसमें गैप जंक्शन भी है, देखें इसमें कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल ही जोन से हैं, इनमें जो फाइबर्स होते हैं वो बिल्कुल ही रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, लूजली नहीं होते। जबकि दूसरी टाइप जोन से हैं इस म्यूकस कनेक्टेड टिश्यू, तो इसमें भी स्पिंडल शेप्ड होते हैं बट लूजली अरेंज होते हैं। ये हमारे एंड ऑफ द एम्ब्रियो में पाए जाते हैं, मतलब नियर द टर्म एम्ब्रियो। जबकि मीजेनकाइमा होता है ये इनिशियली एम्ब्रियो जब शुरू में बनता है तब, तो आपको पता ही है कि थ्री फेजेस होती हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये मीजेनकाइमा होता होगा और लास्ट ट्राइमेस्टर में ये म्यूकस कनेक्टेड टिश्यू टाइप होता होगा, ठीक है। दैट इज़ अ म्यूकस कनेक्टेड टिश्यू, होप यू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल डन इट विद द नेक्स्ट टॉपिक।